नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। और बात आज हम जिस शख्सियत की नायक कार्यक्रम में करने जा रहे हैं, वह एक महान गायक थे, बहुत ही मधुर, सुरीली और तेजस्वी आवाज के मालिक, द वन एंड ओनली मन्ना डे हैं हमारे आज नायक। नायक, नायक, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया, फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी वह सम्मानित हुए। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 3,500 से ज्यादा गाने गाए और एक लंबा वक्त संघर्ष में भी बिताया। तो बताऊंगा मैं आपको आज कि कैसे मन्ना डे अपने करियर के पहले करीब 10 बरस तक कामयाब नहीं हो पाए फिल्म उद्योग में, क्यों मन्ना डे को साधु, भिखारी, दोस्त, इस किस्म के किरदारों पर ही गाना गाने का मौका ज्यादा मिला करता था, किसने माना था मन्ना डे को अपना सबसे फेवरेट सिंगर, और ऐसे कौन से गायक थे जिनके साथ गाने में मन्ना डे खुद बेहद नर्वस महसूस कर रहे थे। होंगे कई और रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से मन्ना डे की जिंदगी से जुड़े हुए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर प्लेबैक सिंगर द वन एंड ओनली मन्ना डे साहब की। तो प्रबोध चंद्र डे उर्फ मन्ना डे का जन्म हुआ था 1 मई 1920 में कलकत्ता शहर में। मन्ना डे के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन मन्ना डे का रुझान था संगीत की तरफ। वे उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे। उस्ताद अब्दुल रहमान खान और उस्ताद अमन अली खान से उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा। मन्ना डे ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा केसी डे से भी हासिल की। मन्ना डे के बचपन के दिनों का एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, आपके साथ शेयर करता हूं। उस्ताद बादल खान और मन्ना डे के चाचा एक बार साथ साथ रियाज कर रहे थे। तभी बादल खान ने मन्ना डे की आवाज सुनी और पूछा उनके चाचा से, अरे भाई, ये कौन गा रहा है? जब मन्ना डे को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, बस मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए गा लेता हूँ। लेकिन बादल खान पारखी थे, जौहरी थे, उन्होंने मन्ना डे में छिपी हुई प्रतिभा पहचान ली थी। इसके बाद उन्होंने मन्ना डे को एनकरेज किया कि वे संगीत की औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन लें। बचपन से ही मन्ना डे को गाने के साथ साथ कुश्ती, मुक्केबाजी और फुटबॉल का भी बड़ा शौक था। ये जो कुश्ती और मुक्केबाजी का शौक था, ये उन दिनों कैसे काम आया मन्ना डे साहब के, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, वह भी एक दिलचस्प किस्सा है, बताऊंगा आपको। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर प्लेबैक सिंगर द वन एंड ओनली मन्ना डे साहब की। संगीत के शौक ने ही मन्ना डे की मुलाकात कराई थी अपनी जीवन साथी सुलोचना कुमारन से। दोनों की मुलाकात हुई, मित्रता में बदली फिर प्रेम में, और 18 दिसंबर 1953 में मन्ना डे ने केरल की रहने वाली सुलोचना कुमारन से विवाह किया। मन्ना डे 1940 के दशक में अपने चाचा के साथ संगीत के क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए पहुंच गए माया नगरी बम्बई। वर्ष 1943 में फिल्म तमन्ना में बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें सुरैया के साथ गाने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले वह एक फिल्म राम राज्य में कोरस का हिस्सा बन गा चुके थे, और दिलचस्प बात यह है कि यह वह एकमात्र फिल्म थी जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। मन्ना डे की प्रतिभा को पहचानने वालों में संगीतकार शंकर जयकिशन का नाम खास तौर पर उल्लेखनीय है। इस जोड़ी ने मन्ना डे से अलग अलग शैली में गाने गवाए थे। उन्होंने मन्ना डे से आजा सनम, मधुर चांदनी में हम जैसे रुमानी गीत, और केतकी गुलाब जूही जैसे शास्त्रीय राग पर आधारित गीत भी गवाए थे।
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में मन्ना डे ने नर्वस होकर यह गाना गाने से मना कर दिया था, लेकिन वह किस्सा आगे शेयर करूंगा आपके साथ। अभी ये बताता चलूं कि जब शुरुआती दौर में मन्ना डे को बड़ा जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि असाइनमेंट्स नहीं मिलते थे, अच्छा गाना गाने के मौके नहीं मिला करते थे, तो दिन भर की अपनी कुंठा फ्रस्ट्रेशन वो शाम अखाड़े में या बॉक्सिंग रिंग में जाकर पसीना बहाकर और सामने वाले की अच्छी ठुकाई कर निकाला करते थे। तो बताऊंगा आपको आगे कि क्यों केतकी गुलाब जूही जैसी क्लासिकल राग पर गाना गाने से कर रहे थे इंकार मन्ना डे। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम और बात कर रहे हैं हम आज महान प्लेबैक सिंगर, पद्मश्री, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड जैसे सम्मानों के विजेता द वन एंड ओनली मन्ना डे साहब की। तो ऐसी क्या वजह थी कि खुद मन्ना डे, जिनकी शास्त्रीय संगीत पर इतनी पकड़ थी, जिन्होंने इतनी अच्छी फॉर्मल एजुकेशन ली थी म्यूजिक की, वो एक शास्त्रीय राग पर आधारित गीत गाने से कतरा रहे थे? वजह थी उसकी उनके को सिंगर, क्योंकि जब मन्ना डे साहब को यह मालूम पड़ा कि उन्हें यह गाना महान शास्त्रीय संगीतकार और गायक भीमसेन जोशी के साथ गाना है, तो जैसे तोते उड़ गए मन्ना डे जी के। मन्ना डे साहब को लगा कि हालांकि उनको शास्त्रीय संगीत की रागों की अच्छी समझ और पकड़ है, लेकिन कहां वह और कहां पंडित भीमसेन जोशी। एक बार तो मन्ना डे ने सोचा कि बंबई शहर ही छोड़कर चला जाया जाए और जब तक दो चार महीने बाहर रहकर वापस आएंगे और तब तक लोग ये किस्सा ही भूल जाएंगे कि एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी है जिसमें मन्ना डे और भीमसेन जोशी को साथ साथ गाना है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शंकर जयकिशन, जिन्होंने बड़े अच्छे ब्रेक दिए थे मन्ना डे को, उनकी बात से इंकार नहीं कर पाए मन्ना डे और केतकी गुलाब जूही जैसे शास्त्रीय राग पर आधारित इस गाने को उन्होंने गाया। आगे बताऊंगा आपको उस गायक का नाम जो पसंदीदा प्लेबैक सिंगर थे मोहम्मद रफी साहब के। समझ भी गए होंगे अगर आप इसका जवाब, तब भी कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम और बात कर रहे हैं हम आज महान प्लेबैक सिंगर मन्ना डे की। जिस दौर में मन्ना डे साहब ने अपना करियर शुरू किया, उस दौर में हर बड़े हीरो का, हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का कोई ना कोई फेवरेट सिंगर बन चुका था। और फिर अगर हीरो ही नहीं चाहे तो आप ब्रेक दें भी तो कैसे दें। लिहाजा मन्ना डे के हाथ क्या पड़ता था, कभी प्राण पे फिल्माया जाने वाला कोई गीत, कभी महमूद पर, तो कभी किसी और साइड एक्टर पर, कैरेक्टर आर्टिस्ट पर। लेकिन मन्ना डे को अपनी कला पर, अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था। और ऐसा ही हुआ जब काबुली वाला फिल्म के लिए उन्हें मिला उनका पहला बड़ा ब्रेक, जब उन्होंने गाया गाना ए मेरे प्यारे वतन। जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास ने एक बार मन्ना डे के लिए कहा था कि मन्ना डे साहब हर वो गाना गा सकते हैं जो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार या मुकेश ने गाए हों, लेकिन हर कोई मन्ना डे साहब का गाया हुआ हर गीत नहीं गा सकता। आवाज की दुनिया के उन दिनों के बेताज बादशाह थे मोहम्मद रफी, जिन्होंने एक बार कहा था कि आप लोग मेरे गीत सुनते हैं, लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा मैं तो मन्ना डे साहब के गाने सुनना पसंद करता हूं। आगे बात करेंगे हम मन्ना डे साहब के कुछ सदाबहार एवरग्रीन गानों के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम और बात कर रहे हैं हम आज महान प्लेबैक सिंगर मन्ना डे की। मन्ना डे के गायन की खास बात यह थी कि वह जो शब्द लिखे हुए होते थे, कवि की जो कविता होती थी, शायर की जो शायरी होती थी, उसको बहुत खूबसूरती से उसी भाव में जैसे जीवंत कर दिया करते थे।
शायद यही वजह है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अमर कृति मधुशाला को स्वर देने के लिए मन्ना डे साहब को ही चुना। 1961 में म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी ने काबुलीवाला फिल्म में मन्ना डे से गवाया गाना ए मेरे प्यारे वतन मेरे बिछड़े चमन, फिर प्राण के लिए फिल्म उपकार में कसमे वादे प्यार वफा के, और फिर सुपरहिट फिल्म जंजीर में यारी है ईमान मेरा, यह सब बेहद कामयाब गाने भी मन्ना डे साहब ने ही गाए। और आपको याद होगी फिल्म पड़ोसन, जिसमें एक गाना था जो एक तरफ महमूद हैं दूसरी तरफ सुनील दत्त और उनके पीछे से किशोर कुमार गा रहे हैं, वह जो गाना था एक चतुर नार बड़ी होशियार, उसको भी स्वरबद्ध किया था, आवाज दी थी अपनी मन्ना डे साहब ने। आगे बढ़ते हैं और बताऊंगा मैं आपको मन्ना डे साहब के जीवन के आखिरी दौर के बारे में भी और उन सम्मानों के बारे में भी जिनसे मन्ना डे साहब को नवाजा गया। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम और बात कर रहे हैं हम आज द ग्रेट प्लेबैक सिंगर द वन एंड ओनली मन्ना डे साहब की। मन्ना डे ने अपने 5 दशक के करियर में करीब 3,500 गाने गाए। इसके अलावा 1969 में मेरे हुजूर और 1971 में एक बांग्ला फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। कई राज्य सरकारों ने भी उन्हें सम्मानित किया। मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के साथ साथ बांग्लादेश की सरकार ने भी मन्ना डे को सम्मानित किया। मुंबई में 50 साल से ज्यादा समय तक रहने के बाद मन्ना डे बेंगलुरु चले गए और बेंगलुरु में उन्हें वृद्धावस्था और उसके साथ जुड़ी हुई बीमारियों ने परेशान करना शुरू कर दिया। 23 अक्टूबर 2013 को उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और अगले दिन यानी 24 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे उन्होंने दुनिया से विदा ली। मन्ना डे तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए अमर गाने हमें हमेशा उनका स्मरण कराते रहेंगे। तो ये थे हमारे आज के नायक द ग्रेट प्लेबैक सिंगर मन्ना डे साहब। कल शाम 8 बजे फिर हाजिर होऊंगा आपके समक्ष एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, बाय फॉर नाउ।